हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है एमके फूड टेक में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे, वीडियो की स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 12 रबीउल अव्वल मतलब ईद मिलादुन नबी की वायरल स्क्रिप्ट आपको देने वाला हूँ एकदम बिल्कुल फ्री में, जिसके माध्यम से आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप कोई भी एड नेटवर्क यूज करके यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एड नेटवर्क नहीं यूज करना चाहते हैं तो अफिलिएट मार्केटिंग का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर आप पब्लिश करके आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह कोई भी हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा आर्टिकल दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोग आर्टिकल में पढ़कर भी अच्छे खास यहाँ पर आप समझ सकते हैं, समझाया गया आर्टिकल में पूरा आप रीड करके यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। अगर नहीं तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को फॉलो करिए, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस वायरल स्क्रिप्ट बनाने के लिए तो यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में डाउनलोड नाउ का एक बटन दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर आपको कोड मिलेगा। तो इस कोड को आपको पूरे कोड को आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं इस पूरे कोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस कोड को मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। बस यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली बस आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। तो उसके बाद आपको सर्च करना है ब्लॉगर, यहाँ पर आपको सर्च करना है इंटरनेट पे ब्लॉगर। तो जैसे कि मैंने ब्लॉगर सर्च कर लिया, ब्लॉगर को सर्च करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको ब्लॉगर सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो आपको वेबसाइट दिखाई देगी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट बनाई हुई है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू ब्लॉग, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू ब्लॉग पे जैसे क्लिक करेंगे वहां पर आपको अपने टाइटल रखना है, तो मैं रख देता हूँ। इस तरीके से आपको कोई भी टाइटल रख देना है, तो मैं कोई भी टाइटल रख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक अपना यहाँ पर एक डोमेन लेना है ब्लॉग होस्ट का, तो यहाँ पर ये अवेलेबल है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेव कर देते हैं, सेव सेव के बटन पे आपको करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपका ब्लॉग बन चुका है। उसके बाद आपको आना है थीम सेक्शन में। थीम सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक थीम ले लेना है। यहाँ पर एक सिंपल ब्लॉग करके यहाँ पर एक थीम मिलेगी, आपको इसको ले लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई जैसे करते हैं उसके बाद गॉट इट करना है। गॉट इट करने के बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज और यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो एरो पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको स्विच द फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा स्विच विदाउट ए बैकअप, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एडिट HTML पे जाना है आपको। एडिट HTML पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ कोड दिखाएंगे, तो यहाँ पर आपको पूरे कोड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको पूरे को डिलीट कर देना है या कट कर देना है। आपने जो वो कोड डाउनलोड किया था वहाँ से आर्टिकल से, उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। सेव कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट सक्सेसफुली। यहाँ पर आप उसके बाद आपको थोड़ा बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं व्यू ब्लॉक करके कि हमारा स्क्रिप्ट किस तरीके से आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेगा, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी नाम डाल दीजिए। तो जैसे मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया। उसके बाद ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पर आपको जो थोड़ा बड़ा भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये मैंने लैपटॉप पे दिखाया है, तो आप अगर मोबाइल पे करेंगे तो एकदम परफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको हाइड करना पड़ेगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इस बॉर्डर को हाइड करना है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ मोबाइल में किस तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शो करेगा। लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मोबाइल में शो करेगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। यहाँ पर कोई भी इधर कस्टमाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इस बॉर्डर को किस तरीके से आपको कट करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको बॉर्डर दिखाई दे, उसके बाद आना है अपने ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पर आपको थीम सेक्शन में जाना है। थीम सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एडिट HTML, और यहाँ पर एरो को जो ऑप्शन दिखाई दे, एरो पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर चेंज नेम बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफ कर देना है इस ऑप्शन को, उसके बाद सेव कर देना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फिर भी शो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो अगर आप लोग के थीम में भी ये ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर एड लगाने, एड लगाने के लिए क्या करना होगा। फिर अपने ब्लॉगर में जाना है, यहाँ पर आपको थीम सेक्शन में जाना है। थीम सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर एडिट HTML पे क्लिक कर देना है। दो तीन जगह आपको अपने लिंक का यहाँ पर रिप्लेस करना होगा। तो जैसे कि आपने पहले स्क्रिप्ट को आपको ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद इस लिंक को पहले आपको कॉपी कर लेना है, जो आपने स्क्रिप्ट ओपन किया यहाँ के लिंक को आपको कॉपी कर लेना। उसके बाद अपने एडिट HTML में जाने के बाद यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोग का अपना स्क्रिप्ट किसी के साथ शेयर करेंगे, अगर अगला बंदा आपका स्क्रिप्ट किसी के साथ शेयर करता है तो हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा, ना कि आपके वेबसाइट पे। तो इस बात का ख्याल रखें, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या चेंजिंग
करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट लिंक जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अपना लिंक डालना है। यहाँ पर मैंने अपना लिंक डाल दिया, यहाँ पर इस तरीके से आपको डालना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ दो बार चेंज करना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको नीचे की तरफ चेंजिंग करने हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, यहाँ पर और कोई भी आपको चेंजिंग नहीं करने हैं। आप लोग यहाँ पर कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं, इंटरनेट से आपको कलर कोड मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एड्स किस तरह के लगाने हैं, कहाँ पे लगाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लो एडसेंस कोड हियर, यहाँ पर आप लोग अपने एड्स लगा सकते हैं, पहला एड्स सबसे नीचे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड एड आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर तीन एड्स लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर एडसेंस कोड हियर, यहाँ पर एडसेंस का मत लगाइएगा भाई, एडमोब का लगा सकते हैं या अल्टरनेटिव बहुत सारे एड्स हैं लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक एड्स टेरा के एड बताई थी उस तरीके से लगा सकते हैं। इन्फो लिंक्स का एड लगा सकते हैं, बहुत तरीके के आपको एड मिल जाएंगे। और मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको एडसेंस का नहीं लगाना है, नहीं तो आप लोग अर्निंग नहीं कर पाएंगे, और पहली बात यहाँ पर आपको अप्रूवल भी नहीं मिलेंगे। तो दूसरा एड मैंने बता दिया, अब आप लोगों को तीसरा एड मैं बता देता हूँ, तीसरा एड कहाँ पे आपको लगाने हैं। तो तीसरा एड लगाने के लिए आपको यहाँ पर इंटर योर नेम पॉपअप विंडो के ऊपर आपको यहाँ पर अपना एड यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ किस तरीके से आपको डालना है। तो यहाँ पर आपको डालना है इस तरीके से, आपको डालना है यहाँ पर आपको लिखना है सेंटर, एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है सेंटर, यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से, आपको स्लैश लगाना, उसके बाद सेंटर। तो इस तरीके से यहाँ पर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर वाले सेंटर पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक एंटर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एरो डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कोड को यहाँ पर इंटर कर देना है। तो आपको अपने कोड को यहाँ पर इंटर कर देना है, यहाँ पर आप लोग तीन ऐड लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह कोई भी हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे।